सोलन में जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने सरकार के खिलाफ रैली निकाली। ये रैली कोटला नाला से आरंभ हुई और शहर के मुख्य बाजार से होते हुए मिनी सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने उपायुक्त सोलन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया कि उनके साथ प्रदेश सरकार बेइंसाफी कर रही है। सोलन में जीवीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने सरकार के खिलाफ रैली निकाली। ये रैली कोटला नाला से आरंभ हुई और शहर के मुख्य बाजार से होते हुए मिनी सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने उपायुक्त सोलन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया कि उनके साथ प्रदेश सरकार बेइंसाफी कर रही है। जेवीटी की पढ़ाई उन्होंने की और उनकी जगह बीएड कर चुके युवाओं को नौकरी पर रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार हजारों जेवीटी युवाओं को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जेबीटी का प्रशिक्षण सुनहरी भविष्य को देखते हुए किया था, लेकिन अब सरकार जेबीटी के बजाय बीएड को नौकरियां दे रही है, जिसे वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। इस मौके पर जेबीटी कर चुके संजय ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा उन्होंने जेबीटी के माध्यम से ली, जिसमें बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी पर उन्हें नहीं रखा जा रहा है। हद तो यह है कि उनके बजाय बीएड कर चुके युवाओं को उनके स्थान पर नियुक्त किया जा रहा है, जो कि तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अन्य राज्यों में भी जेबीटी कर चुके प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो हिमाचल में उनसे किस लिए भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेबीटी और बीएड को समक्ष समझना बेहद गलत है। अगर सरकार अपनी मनमानी करती है तो हजारों जेबीटी युवा बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा नाम संजय है और मैंने 2015-17 बैच में सोलन डाइट से जेबीटी की है। आज यहाँ सारे जेबीटी ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग कर चुके हैं और जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, वो चाहे गवर्नमेंट संस्थान है या निजी संस्थान है, सारे अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। आज हम यहाँ से डीसी सर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल और जो एनसीटी के गवर्नर है, उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कि हमारी मांग है कि जो हिमाचल में जेबीटी पदों पर बीएड वालों को अस्थायी तौर पर राहत दी गई है, उनको जेबीटी पदों के लिए मान्य ना किया जाए, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है और अगर सरकार चाहे तो वो जेबीटी पदों पर सिर्फ जेबीटी वालों को ही रख सकती है, क्योंकि पहले भी बिहार में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी जो सरकारें हैं उन्होंने जेबीटी पदों पर जेबीटी के हितों की सुरक्षा की है। तो आज हमारी सरकार से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द अपना जो पक्ष है वो जेबीटी के फेवर में रखे और जेबीटी जो ट्रेनीज है उनको न्याय दिलाए। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।